हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एकता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ऑन डिमांड में। आज मैं आपके साथ वन ऑफ माय फेवरेट स्वीट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको मिल्के के अकलाकन के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है, एकदम दानेदार, मार्केट में मिलने वाले मिल्के जैसा। इसको आप इजीली घर में 5 से 10 मिनट में लेस इंग्रेडिएंट में बना सकते हैं। एकदम प्योर है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। मार्केट में जो भी स्वीट हम लेते हैं उसमें मिलावट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो क्यों ना घर में बनाकर हम स्वीट को खाएं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने ये खोया लिया है, मावा भी जिसको बोलते हैं, शुगर, शुगर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये 1/4 लेमन जिसको मैंने स्क्वीज़ कर लिया है। ये इलायची है जिसको पील करके क्रश कर लिया है। एंड 1/2 ग्लास मिल्क है, ये फुल क्रीम मिल्क। अभी इसको जो भी मावा है उसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको भूनना है इस तरीके से, अच्छे से मैश करते हुए इस तरीके से भून लेंगे इसको, इस तरीके से। और जो भी मिल्क था वो डाल देंगे इसमें। इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ आपको यहाँ पर कि इस तरीके से आप बना सकते हैं। मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाया है, आप चाहें तो इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। इस तरीके से चलाना है इसको, लम्ब्स ना रहे इसमें, इस तरीके से अच्छे से। और इस पॉइंट पे जो लेमन जूस था वो मैंने डाल दिया है, लेमन जूस ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए थोड़ी देर बाद इस तरीके से इसका टेक्सचर आने लग जाएगा। देखिए तरीके से चलाते रहना है इसको, ये देखिए। चलाते रहना है इसको, इस तरीके से देखिए। और यहाँ पे भी ये शुगर डाल दिए, आप इस शुगर की जगह पे ब्राउन शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो इलायची थी वो भी डाल दी है, बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट में बन जाता है और टेस्ट सुपर्ब आता है इसका। एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। तरीके से चलाते रहेंगे, मोमेंट पे छोड़ना नहीं है इसको, लगातार चलाते रहना है। इस तरीके से कॉन्स्टेंटली चलाना है, टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आ रहा है। ये देखिए, और कोई भी मिलावट नहीं है इसमें, तरीके से चलाते रहना है बस। ऑलमोस्ट हो चुका है ये, तरीके से चलाते रहेंगे। छोड़ना नहीं है, चलाते रहना लगातार। हो गया ये, मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। और यहाँ पर मैंने एक टिफ़िन लिया है, इसमें मैंने घी लगा लिया है और इसमें इसको ट्रांसफ़र कर लिया है इस तरीके से,
डाल देंगे इसको और एक प्लेन कर देंगे स्पून की हेल्प से, और इसको बंद करके मैं अब एक टॉवल में लपेट कर इसको 2 घंटे के लिए रख दूंगी। 2 घंटे के बाद में ये एकदम ठंडा हो चुका है और मैंने इसको निकाल लिया है टॉवल से, और इस तरीके से अब नाइफ की हेल्प से कोनों को करते हुए इसको मैंने प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है, और इस तरीके से इसको कट करेंगे। तरीके से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। घर पे आसानी से आप बना सकते हैं इसको और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बहुत जल्दी बना पाएंगे आप। इसको मैंने कट कर लिया इस तरीके से पीसेस में, एंड लीजिए आपकी होममेड मिल्क केक तैयार है। आप इसको एंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आई होप आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।